स्वागत है आप चैनल हिम तक पर। आज हम बात करेंगे कैंटोनमेंट बोर्ड डलहौजी डिस्ट्रिक्ट चंबा की नोटिफिकेशन है। आप जहां से भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो ये पूछ रहे हैं कि आपको जरूरत नहीं कि कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है। डेट जो थी इसकी वो थी 5/3/2019 को। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपकी स्क्रीन पर, वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर है। 18 से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 5 मई इसकी लास्ट डेट होगी। अब जो पोस्ट है कौन कौन सी वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। जूनियर क्लर्क की है, फॉरेस्ट गार्ड की, आया की है, सिपाही वाले की है, ठीक है। सिपाही वाला हो गया, बिस्टी की पोस्ट है। और नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी स्क्रीन पर आ रही है, ठीक है। एक एक पोस्ट है इसमें, ठीक है। जो सिपाही कर्मचारी सिर्फ इन्हीं के लिए ये 8 से 9 पोस्ट है ये भरी जाएंगी, ठीक है। और जो जूनियर क्लर्क की एक पोस्ट है, फॉरेस्ट गार्ड की OBC के लिए सिर्फ, आया की एक पोस्ट है जनरल के लिए, और बिस्टी की एक पोस्ट है SC के लिए। मजदूर की एक पोस्ट है जनरल के लिए, और JPT टीचर की 3 पोस्ट है। सिर्फ 2 जनरल के होंगे और एक जो है वो SC के। तो नंबर ऑफ वैकेंसी 3 भरी जाएंगे, ठीक है। तो पोस्ट जो भी है वो आप देख सकते हैं। और फिजिकल हैंडीकैप के लिए भी इसमें दी हुई है, ठीक है। तो फिजिकल हैंडीकैप जो भी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। कलर के लिए वो देख लीजिएगा, +2 पास, टाइपिंग टेस्ट होगा, और आपका बाकी जो MS वर्ड एक्सेल का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। फॉरेस्ट गार्ड के लिए आप +2 पास चाहिए, और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, मैन की हाइट और चेस्ट कैप वो देख लीजिएगा आप। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को आपने लाइक जरूर करना। अब जो आया इसके लिए मेडल पास आप, ठीक है, 8 पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्पाई वाला इसके लिए आप 8 पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। बिस्टी के लिए आप 8 पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। मजदूर 8 पास अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब होगी, और JPT वालों के लिए क्या है वो देख लीजिएगा। JPT टीचर और सीनियर सेकेंडरी एटलीस्ट 15% मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है, +2 में आपके। और 2 ईयर का आपके पास जूनियर बेसिंग ये JPT का डिप्लोमा जो भी होता है वो होना चाहिए, ठीक है, या DLED का आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये देख लीजिएगा क्वालिफिकेशन आपकी आ रही, +2 पास और JPT का आपके पास होना चाहिए, और +2 में आपके नंबर जो है वो 50% होने चाहिए। इट मीन्स अगर आप हिमाचल से तो आपके पास 350 नंबर होने चाहिए। एज देख लीजिएगा कौन कैटेगरी के लिए क्या, जनरल की 18 से 25, ST की 30 तक, SC की 30 तक, OBC की 28 होगी, फिजिकल हैंडीकैप के लिए 30 है, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, किस प्रकार आपका चयन होगा इसके लिए, तो पोस्ट कोड जो 1 से 19 तक है इसके लिए जो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 100 मार्क्स के ये क्वेश्चन हो गया, और इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। अब जो सीरियल पोस्ट कोड है इनको आप देख लीजिएगा कि आप कौन सी पोस्ट का कोड जो है उसको देखना चाहते हैं। एडवर्टाइजमेंट हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर देंगे, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं, ठीक है। पूरी जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ रही है, ठीक है। अब जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है ये देखिएगा, पोस्ट कोड, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, ये आपके आएंगे, ठीक है। टोटल हो गए 100 मार्क्स, ठीक है। ये आपका सिलेक्शन का जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में आपका सिलेबस आएगा इससे। अब जो सब्जेक्ट में आएंगे आपके, ठीक है, ये जो देख लिए आप अपनी स्क्रीन पर है, जनरल इंटेलिजेंस, अलग अलग पोस्ट कोड है, ठीक है। ये जो पोस्ट कोड दिए हुए हैं, तो अगर आपको एडवर्टाइजमेंट चाहिए, वेबसाइट का लिंक जो वो आपको बता दिया हमने डिस्क्रिप्शन में, हम आपको लिंक दे देंगे, ठीक है, वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। और सिलेबस जो भी होगा वो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। अब जो मेन होता है फीस, तो फीस जनरल के लिए 500 रुपये होगी, ठीक है, ये 500 रुपये जनरल की फीस होगी, और OBC की होगी 500, ठीक है। और बाकी जो SC ST फीमेल और जो फिजिकल हैंडीकैप के लिए कोई फीस नहीं होगी, ठीक है। सिर्फ SC जनरल और OBC वालों के लिए 500 रुपये फीस है, बाकियों के लिए फ्री है सबके लिए। तो मोड ऑफ एप्लीकेशन जो है वो आपको मैंने बता दी है, 18 मार्च, आज से 3 दिन बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 5 मई इसकी लास्ट डेट होगी, ठीक है, और जो फीस सबमिट करने की डेट होगी वो भी सेम रहेगी, ठीक है। वेबसाइट कौन सी है वो हम आपको बता देंगे एक बार, ठीक है, कि वेबसाइट कौन सी है। तो ये है वेबसाइट, ठीक है, यहाँ पर आप जाओगे, cantonmentboardrecruit.org, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। एडमिट कार्ड वगैरह कब आएगा वो पूरी जानकारी आपको, जब भी एडमिट कार्ड इसका जारी किया जाएगा आपको फ़ोन पर मैसेज या ईमेल आ जाएगी आपको कि आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया, ठीक है। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी वो हम आपको इस चैनल के जरिए दे देंगे। अगर आपको लगता है कुछ की और आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं,
और जनरल कंडीशन है, इनको आप पढ़िएगा, बाकी जो भी एक्सपीरियंस वगैरह कुछ इसमें मांगा नहीं है। और नॉट एडिबल भी पेड, और आपका जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा हो सकता है चंबा डिस्ट्रिक्ट में हो। और जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो पूरा आपको हमने बता दिया, बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी आप बता सकते हैं। वीडियो को लाइक आपने ज़रूर करना है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस प्रकार से जो भी गवर्नमेंट जॉब्स की जो इन्फॉर्मेशन आती है वो आपको दी जाती है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, बने रहिएगा मेरे साथ हिम तक इस यूट्यूब चैनल पर। चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। नमस्कार।